नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, हर हफ्ते वोटिंग ट्रेंड्स आते हैं, शुरू होते हैं मंडे से ओपनिंग, फिर लेटेस्ट और फाइनली होते हैं फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स। तो हम भी बात करेंगे फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स की, कि कौन आगे है कौन पीछे है। उससे पहले फाइनल वोटिंग ट्रेंड डिस्कस करने से पहले आपको करना है एक काम, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, यानी कि हंगरी स्पिरिट चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। फाइनल वोटिंग ट्रेंड, जी हाँ, आप लोग तो जाने जाने क्योंकि आप लोगों ने ही वोट्स किए हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट्स किए हैं यानी कि 46% वोट्स, पिछले वोट से ज्यादा वोट्स, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला को फिर से सबसे ज्यादा वोट्स हुए हैं, और नंबर दो पे आपने रखा है आसिम रियाज। तो पब्लिक है, सब करती है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ, और आसिम रियाज है 28% वोट्स को लेके दूसरे नंबर पे। नंबर थ्री पे है पंजाब की कैटरीना कैफ, उनको कैसे पीछे छोड़ सकते हो आप, क्योंकि ये तिकड़ी तो शुरू से ही अपनी जो पोजीशन है बना के रखे हुए है नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री पे, इसलिए शहनाज गिल है नंबर थ्री पे, उनको मिले हैं 21% वोट्स। नंबर चार पे आ गई है रश्मि देसाई, नंबर चार पे आई है मगर वोट्स बहुत ज्यादा नहीं है, जिस तरह से रश्मि देसाई की फैन फॉलोइंग की बात होती है, वोट्स है सिर्फ 2.9%। और उसके बाद आते हैं आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा, जी हाँ, पारस छाबड़ा को सिर्फ 0.6% वोट्स मिले हैं, काफी कम वोट्स हैं, बट फिर भी क्योंकि इतने इतने बड़े दिग्गज आगे बैठे हैं, उन्होंने इतने परसेंटेज यानी कि 46%, 28%, 21% ले चुके हैं, तो 0.6 आना भी बहुत बड़ी बात है, तो 0.6% है पारस छाबड़ा के। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विशाल आदित्य सिंह की, विशाल आदित्य सिंह को भी नियर बाय पारस छाबड़ा यानी कि 0.5% वोट्स मिले हैं, यानी कि ये सोचिए आप कि उनको इतने सारे फ्राई पैन अपनी बंप पे खाने का फायदा हुआ है, जितने फ्राई पैन उतने ही बढ़ के वोट्स मिले हैं उनको, यानी कि वो 0.5% से सेफ है इस हफ्ते घर के अंदर। इसके बाद आती है दोस्तों आरती सिंह, आरती सिंह को वैसे तो विशाल आदित्य सिंह के आगे आना चाहिए था, मगर ये थोड़ा पीछे आ गए हैं, यानी कि आरती सिंह को विशाल आदित्य से भी कम वोट्स मिले हैं, और वोट्स मिले हैं 0.4%। और लास्ट में बचती हैं तीन महिलाएं, तीन देवियां, शेफाली जरीवाला, माहिरा और मधुरिमा तुली, वो लेडी जिसने फ्राई पैन उठा के किया आंदोलन और कर दिया ऐसी की तैसी विशाल आदित्य सिंह की, यानी कि मधुरिमा तुली का जो कांड आप लोगों ने देखा होगा उसकी बात कर रही हूं। तो ये तीनों की तीनों 0.2% वोट्स लेके अपने आप को सबसे नीचे रख पाई हैं, यानी कि ये क्या रख पाई हैं, आप लोगों ने इनको रखा है सबसे नीचे। तो दोस्तों ये तीनों हैं डेंजर जोन में, और जाने वाली जो है वो हम पहले भी आपको बता चुके, लास्ट वीक उनका जाना तय था मगर उनको थोड़ी एक्सटेंशन मिल गई क्योंकि नॉमिनेशन कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो अब इस हफ्ते फाइनली निकलेगी मधुरिमा तुली, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्जाम भी हैं कि उन्होंने वायलेंस की है, वो सब चीजें हैं, और साथ में ये भी है कि वोट्स भी उनको काफी कम पड़े हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स के हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए हैं, ये दिया द रियलिटी रिव्यू ट्विटर हैंडल से, तो उनको हम बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मधुरिमा तुली होंगी फाइनली आउट, या फिर उनको दी जाएगी कोई और सजा? मेरे हिसाब से तो मधुरिमा तुली बाहर है, मगर फिर भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बने रहिए हमारे चैनल हंगरी स्पिरिट्स के साथ, धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।